जी सामान्य इफ्तारी में इफ्तार कर सकते हैं? अगर कोई हिंदू इफ्तार की दावत दे तो क्या उसमें शरीक हो सकते हैं? हिंदू इफ्तार की दावत दे, जी, हाँ तो उसमें शिरकत कर सकते हैं क्या? क्या हुक्म रखता है? अच्छा, हिंदू का माल खाने के लिए शौक रखा है। इफ्तार जी, इफ्तार के रोजे में इफ्तार अगर कराए उस अपने सामान से हिंदू, तो क्या उसमें शिरकत कर सकते हैं? क्या हुक्म रखता हतल मकदूर उसे परहेज करनी चाहिए, बचनी चाहिए। जी? अगर वो उसके उसके ऊपर काफिरों के ऊपर, जैसे कि हदाया में है, जी काफिरों के ऊपर भरोसा नहीं है। वो कोई भी कभी भी हराम माल खिला सकता है, लेकिन उसने जन मगर मोहल्ले वाले हैं। जी अगर आपको मालूम वाला आदमी है, अगर वो पाक साफ समझ करके अपना, उसके नज़दीक तो सभी हलाल हैं, है ना। जी वो जी तो सबको अपना हलाल समझता है, सिवाय चोरी के, जैसा कि हमारी किताबों में लिखी हुई है। जी चोरी को वो भी बुरा समझते हैं, जी चोरी डकैती के माल को, लेकिन वो जी सब रेबा वगैरह को अपने लिए जायज़ समझता है वो लोग, जी है ना। तो अगर वो ऐसा शख्स खिला रहा है, तो उसे हत्तल मकदूर तो उससे परहेज ही लाजिम है, बचना लाजिम है, क्यों तो रोज़ा इबादत है। और इबादत के जरिए, इबादत के दिनों में वो दे रहा है, तो दिल शिकनी ना हो कह करके ले लेनी चाहिए। अगर वो इंतज़ाम खुद किया है और खाने पीने का दावत तो ताम कर रहा है, जी अगर जाने नहीं जाएंगे तो अंदेशा है कि फितना ये हो जाएगा, फितना और बदगुमानी पैदा करेगा, जैसा कि हिंदुस्तान का माहौल है। तो इस एतबार से, इस लिहाज से वो मद्देनजर रखते हुए जा करके तनाउल कर ले कुछ, तो कोई मुजायका नहीं है। इसमें हिकमत भी है और भाईचारगी के, इसमें इजाफे की नीयत से बस, ना कि उसकी खाने के लिए और पेट की ख्वाहिशात के लिए जाए। ठीक जी ठीक है, वाला और एक चीज़ पूछ सकते हैं हजरत? तो माशाल्लाह हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त मसला बताया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक मसला हजरत ये पूछना ठीक है, था। ठीक है। मैं अभी तो मसरूफ हूँ, फिर बाहर। जी, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। हजरत, आजकल एक मसला ये उठ रहा है, जैसे एक मुबाहले का जो चैलेंज हुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी से की जानिब से, तो आजकल जैसे एक वाकया पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि उन्होंने, जिनका नाम मोहम्मद था, जी, उन्होंने जो मतलब आज से आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टूटानी, इन्होंने मुबाहला किया था। तो ये खबर अखबार के अंदर आई थी कि वो जो वहाबी था वो जलकर भस्म हो गया था। ठीक है, तो ये खबर आजकल बहुत गर्दिश कर रही है। अखबार में ये खबर छपी थी ये पाकिस्तान तो के उर्दू। छाप करके बहुत मशहूर हो चुके हैं वो, जी 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 मशहूरियत जी तो कि ये उसमें, अखबार की इसमें खबर है इसमें झूठला भी नहीं सकते हैं उसको, है जी। ना। तो क्या हजरत ये खबर सही है? जी, बिल्कुल सही अगर है। अगर झूठी आ रही होता तो ये उसमें केस भी दायर हो सकता था। जी, इसमें कोई मजायका, इसमें कोई हरज नहीं। वो बिल्कुल सही है, तहकीकात किए गए हैं और पूछे भी गए हैं उनके पास, वहीं पर जा करके वही मालूमात किया है। उसके गांव वाले भी वो अभी तक इत्तला देते हैं, वो लोग अभी भी जिंदा है ना। तो ये अखबार की खबर दुरुस्त है? अखबार की खबर दुरुस्त, जी बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि तहकीकात कर लिया गया है। जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये उसके फतावा गांव घर, अफ्रीकिया है आला हजरत साहब उनके की। गांव घर में, जैसे कोई जी चीज में, अखबारी न्यूज में जी जी कोई न्यूज अगर दे दे, तो तो उस पर हजरत पूरे ये खबर भरोसा नहीं किताबों में करना, क्यों शाय नहीं हुई? उसमें भरोसा नहीं किया जाता था पूरे तौर पर। लेकिन उसकी तहकीकात जब हो जाते हैं, उसके गांव के खुद गवाही देते हैं, तो ये काबिले एतबार हो जाते हैं। देखिए, अखबार की खबर है तो इसको खबर ये किताबों में तो कोई किसी वाकये के जमीन में बयान करना चाहिए। खैर, किताबों में जरूरत ही नहीं, देने की जरूरत ही नहीं उसको। ये किताब फतावा अफ्रीकिया, इसके सफ़ा 141 में लिखते हैं अहमद रज़ा साहब के, टेलीग्राफ, टेलीफोन, अखबार, जंत्री, बाजारी, जी, अखबार उसमें सब किसी महज में ना बातिन, नामोतबर हैं। तो आप किस पे मुतबर है, भरोसा वो करें? ना मुतबर है, कोई एतबार नहीं है। और एक किताब है लेकिन कहरे वो जो तहकीकात के जरिए खुदावंदी, से, जी, ये किताब है कहरे खुदावंदी पर तहकीक जब धमाके कर लिया देवबंदी। जाता है, ये तहकीक जब, मौलाना मोहम्मद हसन अली रिजवी ये कहते हैं कि
जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जी क्या अखबारी मालूम जनतरी के अतबार कहते से कि कोई अखबार आपके भरोसा नहीं है, हवस ऑफिसर उसमें दुरुस्त होती है, उसमें यहाँ दुरुस्त भी नहीं करार देंगे और यकीन नहीं करेंगे, रिपोर्टर या लेकिन नवा निगार बयान देने ना की मर्जी के ले खिलाफ ले उनसे मंसूब करके बहुत कुछ लिख देते हैं, और जी 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 भरोसा बाद नहीं में रहता है। तरदीदी ये क्या कहते हैं तरदीदी बयान जारी होते हैं। आपको उर्दू भी नहीं आता है जनाब सही आपने से। कहा कि ये जायज है, सही है, दुरुस्त है, लेकिन आपके मौलवी तो कहते हैं कि जायज नहीं है। ये जी आपके जी कुलियात मकातिबे अखबारी बनाती है अखबार अखबारी में, मामलात में, अखबारी ये मामलात में न सुने या हजरत, हजरत ये जनतरी देखो ने, तरीके आपने पर, एक गलत मसला, एक तो आपने एक मसला जनतरी सही बताया, तरीके लेकिन एक मसला एक गलत बता रहे हैं। सफा तरीके एक पर सौ नहीं जने जा, सुनिए अट्ठावन पहले है पहले कुलियात सुन लो मकातिबे जनाब, रजा, जनतरी ये तौर पर डॉक्टर भरोसा शम्स, अरे एतमाद नहीं है जब तक के शवाहिद नहीं रहेंगे, समझे। शवाहिद वहां पे, शवाहिद वहां और अखबार पे शवाहिद हमारे, जब मौजूद हैं, उसके गांव घर वाले अभी तक शवाहिद दे रहे हैं, तो उसकी काबिले एतबार और हुज्जत होंगे वो, ये आपके उलमा समझे। तो कहते हैं कि गैर मोतबर, ये मोतबर जी नहीं है, जी इसलिए अगर कुलियत अखबारी मकातिबे रजा बात के सफा 158 पे लिखता है कि अखबारों और अखबारी इश्तहारात के में बात खुद अपने बगैर मामले में तहकीकात रोजाना के, देख रहा हूँ कि बगैर मेरे जैसा बंदा तहकीकात के जायज झूठ नहीं तुम्हें जी, वो हराम बयान तय करता है हराम के और होते कसदन लानत हैं। इलाही अपने ऊपर ले रहे। देखें तो जी जी अख्तर जी जी निजामी जी साहब, जी आप लानत इलाही अपने ऊपर ले, जी जी जनाब आपको आप लानत गलत इलाही फहमी लेनी। हैं। ये फकीर अहमद रजा कादरी 24 शाबान 1339 हिजरी में ये छपा, अरे यार हमारे यहाँ एक दो हवाला नहीं, आपको हवाला दूँ? अखबारी की बात का एक भी तीन हवाला तीन हवाले मोतबर साबित नहीं कर है, दें, आप मैं झूठ और 10 हवाला झूठ दूंगा बोल आपका रहे हैं। हमारे किताबों का। आप तो चंद आप टूटे फूटे कसदे लंगड़े इलाही, उर्दू पढ़े हो ना, आप 10 हवाला लानत सुनो इलाही सुनो अपने ऊपर सुनो ले दस रहे हवाला हैं। सुनो लंगड़े दस अख्तर हवाला सुनो निजामी, और तुम पर लंगड़े लानत बरसेगी। लानत उसके कुत्ते, तू जनाब अपने ऊपर जनाब कसदन सुअर से भी कुत्ता, लानत थानवी के कुत्ता इलाही हो, ऊपर ले लिया है। थानवी फकीर के कादरी सुअर कहते हैं हो, ये रजाकानी कुलियत थानवी के सुअर मकातिबे हो रजा तुम। के हेलो मुताबिक अपने ऊपर थानवी के सुअर, लानत इलाही का थानवी मुसीबत के सुअर, मुझता है, इसका रजाकानी थानवी मकतूब थानवी पिल्ला सुर कहता सुअर है कि सुनो, ये अखबारों और तुम्हारे इश्तहारों देवबंद और में रायवंड झूठ में मामूलियत में अंग्रेज रोजाना के देख जैसा रहा हूँ पालतू कि कुत्ते मेरे और जैसा बंदा उनके झूठ, मैं उनके झूठा जरिए से इश्तहार तुम कर रहे हैं लोग और पले कसदन हुए हो लानत ना, इलाही तो अपने ऊपर थानवी ले के रहे हैं। मरघट में ये जाओ और थानवी मजलूम या सुअर को देखो। मजलूम लंगड़ा अपने ऊपर हमारे कसदन यहाँ लानत अखबारी इलाही बातें लिया कोई है, काबिले ये एतबार नहीं, मलऊन अब जबकि मजलूम या उसके मजलूम अंदर लानत इलाही उसके गांव अपने घर वाले ऊपर हुज्जत मुतअद्दिद दे रहे हैं, इलाह दलील दे रहे हैं, लंगड़ा तारीख और झूठ कर देवबंदर देता तो है। जल करके राख और भस्म हो गया था वहां टेलीफोन, पर। टेलीफोन सामीने द्वारा किराम फिक्री आप बाजी गौर से होते सुने, ये देवबंदर था, साबित मुझे मालूम नामों नहीं में है, तुम्हारे, नंबर सेव नहीं था, लेकिन ये सभी और सही ये अख्तर देवबंदर निजामी का के नंबर भी बावजूद डालूंगा। ये अपने देखिए मुल्क का हमारे सबसे यहाँ पहले जितने भी मेरे जैसे फतवाजात मकतूब मौजूद मोतबर हैं, खातून इसमें मुहतरम काबिले एतबार नहीं ये होते हैं मुझसे अखबारी मर्दूदों बातें, मर्दूदों की लेकिन वो नस्बत से अखबार की अपने मुल्क के बातें काबिले फतावा एतबार हो खुदा जाएंगी खातिर या अपने जिस मुल्कियों जिसके गांव का घर नाम वाले लें, शवाहिद मुल्कियों दें खातिर और मुल्कियों शवाहिद के बाद खातिर बोलें, नस्तों लेकिन मजलूम इन मर्दूदों बंदरों का के, ये थानवी नहीं के देखते हैं, या अपने सुअरों के मुल्कियों के नजदीक झूठों कोई मजलूमों एतबार का नहीं है, ये हिंदू के माल खाने मजलूमों के चक्कर मजलूमों का में। मर्दूदों का इनका खातून लंगड़े इनका हैं, कुतुबुल हिसाब तो ये सूद फतवा है, खिलाया, ये सूद खोर फतवा है, है, ये जो अखबार सूद छापते खोर हैं ये सही बोल और रहे हैं, लेकिन पियाव अपने और मुल्क हिंदू से का याद हम अपने दिया मुल्क हुआ में इलाही दिवाली अपने और बच्चा कचौड़ी कहता और है मिठाई, कि इनके तेरे कुतुबुल लिए हिसाब ने आप फतावा हमारे रशीदिया में बाजार लिख चंद छोड़ा, बाजार या और ये अपने लोग मुल्क के खाते हैं बाजारों में शौक से, हमारे रमजान बाजारों में में तो वो किस तरह इतना से ठूस जीता है, ठूस के खाते हैं और हराम इन माल, लोगों को अल्लाह मुसलमान गनी, की इन नापरवाही लोग किस हिंदू तरह अगर से दे है, दे तो टूट उनके पड़ते मुसलमान हैं का मुफ्त के आज माल में, मौत यानी तबका है, चिल्ला कब्र चिल्ली तबका है, भोपाल दिल्ली और करने, कब्र और तो बन हिंदू चुका है ये के यहाँ रजाकानी, इतनी दोस्ती इन ये लोगों को, रजाकानी देखिए जिस तरह अंदाजा से आज कीजिए आप हिंदू से लोगों कि की इतनी अंदाजा दोस्ती है शिक्षकों इनकी, उस्ताद और की तरफ हिंदू हो का रहा है, चंदा भी मुसलमानों देता समझो था हो इन क्या है, दारुल उलूम अपनी देवबंद को, जहमियत से और समझो क्या रायवंड है, और लंगड़े देवबंद के वाले शिक्षकों को इनके बाजार में हिमायत अपनी करके इज्जतों को लेने और को ले करके उकसाए, हराम माल गरीबों ठूस को ठूस के तो तबाह आदत था। करें, और इन अपनी लोग समाज में, इनको मुआशरे में, इन सोसाइटी लोग में जब चिल्ला फैला चिल्ली है, जाता ना चर्च के, लंगड़े तूने अपने हेलो ऊपर कसदन लानत हेलो इलाही देवबंदर का हो, मुस्तहिक हो चुका है तू। देवबंदर हो तुम? मैं देवबंदर तो नहीं हूँ, हाँ देवबंदर लेकिन हो, तुम्हारे मैं अखलाक देवबंदर को जो आदाबुल है मैं अखलाक में बहुत लिखा हुआ है, घसीटता हूँ, तो तुम लोग देवबंदर हो, तुम लोग को समझाना हाथी के देवबंदियों को नहीं बंदे, मानता हाथ मैं, देवबंदी को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। तो देवबंदी ये मुफ्ती जहन्नमी है, सलमान अजहरी साहब जानते हैं, खानवी जहन्नमी है, मुफ्ती मुफ्ती रशीद सलमान अजहरी को गंगू जानते हैं, जहन्नमी है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जानते मैं हैं, देवबंदी, देवबंद नहीं, देवबंदी नहीं हो तो थानवी क्या है? थानवी तुम्हारा बाप है, थानवी के बाप कैसे हो सकता है? वो तो हिजड़ा था ना मरदूद, वो कोई बच्चा नहीं पैदा कर सका, वो इसी मर गया, ये तुम्हारी किताब वो गवाही दे हिजड़ा रहा था, है कि वो जिसको हिजड़ा बच्चा मर नहीं गया, होता वो उसका अबदाल बाप होता भी, है। उसके तेरा उसका मौलवी माँ अहमद भी, रजा गंदाला रजे, तो शैतान ने कहा कि अबदाल जो होता है उसके औलाद नहीं होती है, अबदाल के औलाद नहीं होते हैं, हाँ अबदाल के औलाद नहीं होती है, अबदाल के औलाद नहीं होते हैं ना,
ये तेरा खुद कह रहे मौलवी हो अहमद आप। रजा, तो देखो देखो ये ये शैतान का तेरा देखो, मौलवी अहमद वो जो रजा कहता थानवी नहीं है। हरामी था यार, तुम लोग कैसे उसको तूने भी कहा कि तुम थानवी कह की रहे कोई हो। औलाद नहीं थी। चलो तुम देवबंदर नहीं तूने हो, छोड़ो ले देवबंदर नहीं हो, देवबंदी नहीं हो, देवबंदी धर्म से नाग राज, ताल्लुक नहीं रखते तूने हो, कहा तो था, थानवी तूने को कहा जाओ था, जहन्नम में छोड़ दो। यार वो हरामी था, लेकिन तुम गैर मुकल्लिद हो, तूने कहा था कि तू गैर मुकल्लिद है, तूने कहा कि तू गैर उनके मुकल्लिद औलाद है, नहीं मैं पूछ रहा हूं उसी है। एतबार से बात करूंगा। मैं शेर हनफी हूँ, शेर हनफी, हनफी कहते हैं। हनफी तू कैसे हो सकता है, ये तुम तो जाहिल हो ना, मुफ्ती सलमान अजहरी को जानते हैं आप? तुम जाहिल हो मुफ्ती सलमान तो अजहरी को जानते हैं आप? हनफी के दो ही अभी बड़े गिरोह हैं अभी, समझे? अच्छा, ये देखिए, एक है हयात देवंदर, आला हजरत है, एक है सुन्नत इसके सुन्नी सफा नंबर लोग, 686 में लिखते हैं कि एक वहाबी लोग है। किसी तो बंदे खुदा को अफजाल कहना तुम मुसलसल लोग हो, देवबंदर हो जो तो तेरा तुम सा साथ हरामी हो, को जिसके मुजद्दिद अलावा मानते हो तुम ला लोग। यार औलाद है, अस्तगफिरुल्लाह अलावा बनी अस्तगफिरुल्लाह ये रब्बी अलामत मिन वक्फ जिन है, ना रब्बी अलामत ने, जात शख्स जैसे अब्दाल जिसे करें करेंगे। समझे? जब से ये मर्तबा मिलेगा और औलाद ना होगी, उससे थानवी, थानवी जो औलाद था ना, होगा उसके वो मुराद पैदा होंगे। हुआ उसके माँ ये से देखिए, ये तेरा अहमद गए रजा गैर कहता मर्दों नहीं के है, जो साथ तो सोबत शैतान किया, का उससे पैदा हुआ खुलिया, दो लड़के, ये एक मौलवी लड़के फखरुद्दीन का काजमी कहा मुफ्ती कि मेरा कहता है होगा, कि एक दो अब्दाल जो वरदान करें में दे उसे दूंगा कहा के, लेकिन वो वरदान अहमद में नहीं जो मेरा होते। होगा कहा तो थानी हुआ था, अहमद तो रजा थानवी के जो हुआ इश्ते ना में वो खुद हरामी, हमारे वो हजरत हरामी मौलाना था, उसका शफी बच्चा भी खालिद पैदा रहमा नहीं हुआ, को खुद समझे? अब्दाल माना जैसा है। कि वो आप लोग अगर देवबंदी दावत लोगों दे से के किस तरह पूछो, से तुम देवबंदी दोपहर नहीं हो के कर रहे हो, हिंदुस्तानी तो बौखलाहट का झूठे शिकार हो मकार गया, तुम लोग अपने अब तो धर्म को निकल छुपाते नहीं हो, रहा। तुम देवबंदर ही।